अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है आमनी और सरमायाकारी का तफाइली रिश्ता। इससे पहले आपने आमनी का सर्फ के साथ और आमनी का बचत के साथ क्या तफाइली रिश्ता है वो देखा था। आज हम आमनी का सरमायाकारी के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप है, उनका आपस में क्या फंक्शनल रिलेशन है, आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि सरमायाकारी जो है कैसे होगी, सरमायाकारी के लिए रकूमात कहाँ से आएंगी। तो जैसे कि आप पहले भी पीछे पढ़ चुके हैं कि कौमी आमनी में से कुछ जो हिस्सा होता है वो खर्च कर लिया जाता है कौमी आमनी का, और कुछ बचा लिया जाता है। तो कौमी आमनी में से जो हमारी बचत होगी, जो बचाई हुई रकूमात होंगी, उन्हीं से सरमायाकारी की जाती है। अब सरमायाकारी क्या है? सरमाए के हकीकी असासों में इजाफा करना, यानी अगर कोई नया असासा वजूद में आता है फिर इसका मतलब है कि सरमायाकारी हो रही है, यानी सरमाए के नए असासे वजूद में आते हैं, सरमाया जो है उसकी तश्कील हो रही है, उसका मतलब है कि फिर सरमायाकारी हो रही है उस मुल्क में। अब नए असासे कैसे वजूद में आ सकते हैं? कोई नया कारखाना कायम हो सकता है, कोई नई सनती और तिजारती इमारत तामीर हो सकती है, नई सड़कें बन सकती हैं, रेलवे लाइनें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, डैम और बिजली घर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इन मंसूबों से चूँकि सरमाए के जो असासे हैं वो बढ़ते हैं, नया सरमाया वजूद में आ जाता है, इसलिए इसे हम सरमायाकारी का नाम देते हैं, क्योंकि सरमाए के हकीकी असासों में इजाफा हो रहा होता है। अब यह है कि सरमायाकारी और आमनी का तफाइली रिश्ता क्या है। तो आमनी और सरमायाकारी का जो तफाइली रिश्ता है वो दो तरफ़ा है या डबल साइडेड है। कैसे? सरमायाकारी का आमनी पर इन्हसार होता है, एक ये तफाइली रिश्ता है, और दूसरा ये कि आमनी का भी सरमायाकारी पर इन्हसार होता है, ये तफाइली रिश्ता है। पहले हम देखेंगे कि सरमायाकारी आमनी का तफाइल है, यानी आई इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, या इसे हम पढ़ सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जो सरमायाकारी है उसका इन्हिसार कौमी आमनी पर होता है, या वो कौमी आमनी का तफाइल होती है। अब सरमायाकारी का इन्हिसार कौमी आमनी पर कैसे हो सकता है? कहते हैं कि जब आमनी बढ़ती है तो सरमायाकारी में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जब आमनी बढ़ेगी तो लोगों के पास सरमायाकारी के लिए ज़्यादा रकम मैसर आ जाएगी, और अगर आमनी कम होती है तो सरमायाकारी में कमी हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास सर्फ करने के बाद रकम कम बचेगी और सरमायाकारी भी कम होगी। तो ये हमने देखा कि सरमायाकारी आमनी का तफाइल है, यानी सरमायाकारी का आमनी पर इन्हसार है, और आमनी के कम या ज़्यादा होने पर सरमायाकारी भी कम या ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब कहते हैं कि दूसरी तरफ जब सरमायाकारी की वजह से लोगों को ज़्यादा रोज़गार मैसर आता है, पैदावार बढ़ती है, तो लोगों की आमदनी में भी इजाफा हो जाता है। ये बात भी ठीक है कि किसी भी मुल्क में जब सरमायाकारी ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको मुलाजमत के या काम के मौके मैसर आएंगे, पैदावार उस मुल्क की जो है वो बढ़ जाएगी, और पैदावार बढ़ने से जो आमदनी है वो भी बढ़ जाएगी। लिहाजा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आमदनी का इन्हसार सरमायाकारी पर है, यानी आमदनी सरमायाकारी का तफाइल बन जाती है। जब भी सरमायाकारी में इजाफा होता है तो आमदनी में भी इजाफा हो जाता है। पहले हमने कहा कि सरमायाकारी का इन्हसार आमदनी पर है, अब हम कह रहे हैं कि आमनी का इन्हसार सरमायाकारी पर है। इसको हम कैसे जाहिर करेंगे? पहला हमारा था आई इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, अब हो जाएगा वाई इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई, यानी नेशनल इनकम इज़ अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कौमी आमनी का इन्हसार सरमायाकारी पर है। तो ये दो तफाइली रिश्ते हैं आमनी और सरमायाकारी के, और डबल साइडेड हैं। इसके बाद इसी ही टॉपिक में हमारे पास एक और तफाइली रिश्ता है सरमायाकारी और शारा सूद का। इस तफाइली रिश्ते को हम कैसे जाहिर करेंगे? इसके लिए हमारे पास जो तफाइली मसावात है वो कुछ इस तरह से है, आई इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई। अच्छा, यहाँ पे जो कैपिटल आई है वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, और जो स्मॉल आई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरा सूद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। स्मॉल आई की जगह पर स्मॉल आर भी लिखा जा सकता है, उसका मतलब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, शरा सूद ही होगा।
तो हम कहते हैं कि सरमायाकारी का इन्हिसार शरा सूद पर है, यानी कि सरमायाकारी जो है वो शरा सूद से मुतासिर होती है। अगर सूद की शरा कम होगी तो सरमायाकारी में इजाफा हो जाएगा, जबकि बुलंद शरा सूद पर सरमायाकारी में कमी हो जाएगी। और इस तरह से हम ये भी बताएंगे कि सरमायाकारी शरा सूद का तकलीली तफाइल बनती है, यानी सरमायाकारी का शरा सूद के साथ तकलीली तफाइली रिश्ता है। तकलीली तफाइल का मतलब कि अगर शरा सूद में इजाफा होगा तो सरमायाकारी कम हो जाएगी, और अगर शरा सूद कम होगी तो सरमायाकारी में इजाफा हो जाएगा, यानी कि दोनों जो मुतगैरात हैं वो एक दूसरे की मुखालिफ सिम्त में हरकत करते हैं। एक में इजाफा दूसरे में कमी का बायस बन जाता है, और अगर पहले में कमी होगी तो दूसरे में इजाफा हो जाएगा। ये तो हमारे पास थी तफाइली मसावात या फंक्शनल इक्वेशन। एक हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन या मयारी मसावात भी होती है, वो भी देख लेते हैं कि अगर हम सरमायाकारी के तफाइल की स्टैंडर्ड इक्वेशन या मयारी मसावात देखें तो वो क्या हो सकती है। हमारे पास है जो आई इज़ इक्वल टू आई नॉट प्लस एम वाई। सबसे पहले तो जो आई है वो सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब उन्होंने बताया कि जो सरमायाकारी है वो आगे उसके दो हिस्से हैं या वो दो तरह की हो सकती है। आई नॉट, आई नॉट का मतलब होता है खुद इख्तियार सरमायाकारी, और इसका कौमी आमी से कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी जो खुद इख्तियार सरमायाकारी है उसका आमी पर इन्हसार नहीं होता। प्लस एम वाई, एम से मुराद यहाँ हम तरगीब याफ्ता सरमायाकारी भी कह सकते हैं, या इससे हम मुख्तम मिलान सरमायाकारी भी कह सकते हैं। और एम को देखें वाई के साथ लिखा हुआ, मतलब ये कि एम वो सरमायाकारी है जिसका इन्हसार आमनी पर है, उसको आमनी के साथ हमने जो है वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये तरगीब याफ्ता सरमायाकारी है जो कि आमनी से मुतासिर होगी और इसका इन्हसार आमनी पर होगा। तो दो तरह की है हमारे पास सरमायाकारी, जो कि इक्वेशन हमें बता रही है खुद इख्तियार और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। तो यहाँ तक हमारा जो है ये ख़त्म हो गया टॉपिक। आगे हमारे पास है जी कौमी आमनी का तवाज़न मालूम करने के तरीके। तो दो शोबी मईशत में, दो शोबी मईशत हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसके दो शोबे दो हिस्से हों। अवाम जो कि आमलीन की खिदमात फ्राहम कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ कारोबारी इदारे या फर्में जो कि उन्हीं खिदमात को इस्तेमाल करके अशिया खिदमात तैयार करके अवाम के पास भेज रही होती हैं। तो कहते हैं कि वो मईशत जिसके हम दो शोबे लें, ऐसी मईशत लें जिसमें दो शोबे हों, उसमें कौमी आमनी का तवाज़ुन मालूम करने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास है मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका। इसे हम कहते हैं y इज़ इक्वल टू c प्लस i का तरीका। ये भी नाम इसका हो गया, y का मतलब कौमी आमनी, c का मतलब सर्फ, और i का मतलब इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका, या कौमी आमनी बराबर है सर्फ जमा सरमायाकारी का तरीका। क्योंकि हम ये पीछे पढ़ आए हैं, केन्स ने जो हमें मसावातें दी थी, जो इक्वेशंस दी थी कौमी आमनी के तवादन के सिलसिले में, उसमें हमने यही कहा था कि कौमी आमनी में से कुछ खर्च कर लेते हैं, सर्फ हो गया, और कुछ बचत कर लेते हैं, और वही बचत आगे लगा दी जाती है सरमायाकारी में। तो ये इक्वेशन होगी सर्फ जमा सरमायाकारी। हम इसे y इज इक्वल टू c प्लस i भी लिख सकते हैं। नंबर दो है हमारे पास बचत बराबर है सरमायाकारी का तरीका, यानी s इज इक्वल टू i का तरीका। दोनों तरीकों से हम कौमी आमनी का तवाज़न देखेंगे। तो पहला तरीका जनाब मजमूई तलब बराबर है मजमूई रसद का तरीका है हमारे पास। इसे हम एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी ए डी इज़ इक्वल टू ए एस का तरीका भी कह सकते हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं, मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका कह दें। अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो ए डी इज़ इक्वल टू ए एस उसको लिख दें, या इसी तरीके को हम ये भी नाम देते हैं y इज इक्वल टू c प्लस i का तरीका। अगर आप इस तरह इक्वेशन को नहीं लिखना चाहते तो आप उर्दू में लिख दें कौमी आमनी बराबर है सर्फ जमा सरमायाकारी का तरीका। और इसी तरीके को एक और नाम भी दिया जाता है, हम ये भी लिख सकते हैं, ये है कौमी आमनी बराबर है कुल खर्च का तरीका। कुल खर्च का तरीका क्यों हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी मईशत का जो सर्फ और सरमायाकारी होती है, यानी जो C प्लस I होता है, वो उसका कुल खर्च होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कौमी आमनी बराबर है कुल खर्च का तरीका। ये तीन चार नाम हैं, और आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, और आप जो हैं वो दूसरे तरीके से
भी लिखना चाहें, मसावात को ज़रा इंग्लिश में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। अब मजमूई तलब और मजमूई रसद के तरीके को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने हमें यही बताया कि किसी भी मुल्क के लोग कुछ अपनी जो आमदनी है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च कर लेते हैं, कुछ पस अंदाज कर लेते हैं, यानी वो बचत कर लेते हैं और इसी बचत को आगे कारोबार में लगा लेते हैं, जिसे हम सरमायाकारी कह देते हैं। लिहाजा जहाँ पर मुल्क की कुल आमदनी कुल खर्च के बराबर हो जाए, अब ये देखें कौम इस तरीके के मुताबिक कौमी आमदनी का तवाज़न वहाँ होगा जहाँ पर कुल कौमी आमदनी कुल खर्च के बराबर हो जाए, उस कुल खर्च यानी सर्फ जमा सरमायाकारी के। फिर वही बात है कि आगे उन्होंने लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, यानी अगर हमारे पास ये सूरत हाल हो जाए कि हमारी कुल कौमी आमदनी जो है वो कुल खर्च यानी सर्फ जमा सरमायाकारी के बराबर हो जाए, वहाँ पर हमारी कौमी आमदनी मतवाज़न हालत में होगी। और अगर ये तवाज़न किसी वक्त बिगड़ भी जाए तो कुछ खुदकार क़ुव्वतें दोबारा से कौमी आमदनी को उसकी तवाज़नी सतह पर ले ही आएंगी। तो हमारे पास ये जो पेज नंबर 29 है इस पर जो डायग्राम दी हुई है इसको हम ज़रा देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर कौमी आमदनी जाहिर की गई है और वाई एक्सिस पर सर्फ और सरमायाकारी, और दोनों को आपने करोड़ रुपये में लिखना है, ठीक है, करोड़ रुपये अरब रुपये। अच्छा, अब सर्फ और सरमायाकारी जो याद रखिएगा कि ये कुल खर्च है, इसकी जगह हम कुल खर्च भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम सी प्लस आई भी लिख सकते हैं। अगर आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखना चाह रहे हैं तो दोनों में भी लिख सकते हैं। आप कौमी आमदनी के साथ वाई लिख दें और सर्फ और सरमायाकारी के साथ सी प्लस आई लिख सकते हैं। अब क्या है कि हमने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, उस पर हमने लिख भी दिया कि एक्स एक्सिस पर हम क्या ज़ाहिर करेंगे और वाई एक्सिस पर हम कौन से मुतगैरात को ज़ाहिर करेंगे। अब हमने दोनों महवरों के दरमियान में निस्ब में ख़त खींचना है, इसको हम कहेंगे तनसीबी ख़त। ये हमारा 45 डिग्री का ख़त है और इसका नाम हमने रख दिया OH, ठीक है। अब ये है कि चूंकि ये दोनों महवरों के बिल्कुल दरमियान है, कौमी आमदनी और सर्फ और सरमायाकारी, इनके बिल्कुल दरमियान से दोनों एक्सिस के ख़त गुजर रहे हैं, तो कहते हैं कि इस ख़त पर आप कहीं भी कोई भी नुक्ता लें तो वहाँ पर जो कौमी आमदनी है, कुल कौमी आमदनी, वो कुल खर्च के यानी सर्फ और सरमायाकारी के बराबर होगी, इसलिए कि वो निस्ब से गुजर रहा है, उसका फासला दोनों महवर से बराबर है। उस पर आप कोई भी नुक्ता ले लें, आपकी कौमी आमदनी जो है वो क्या हो जाएगी, बराबर होगी उस नुक्ते पर, यानी OH ख़त के किसी भी नुक्ते पर। अच्छा, अब ये है कि एक हमने सी प्लस आई का ख़त ले लिया, ठीक है, ये तो हमारा ख़त हो गया कुल खर्च का ख़त, ठीक है। पहले जो OH ख़त है वो हमने बता दिया कि वहाँ पर कुल आमदनी कुल खर्च के बराबर होती है और इसे हम y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। CC जो है वो हमारा कुल खर्च का ख़त है जो कि ज़ाहिर करता है कौमी आमदनी की मुख्तलिफ सतहों पर हमारा जो सरफी खर्च है, जिस मईशत का सरफी खर्च है वो कितना है। और अगर हम सरमायाकारी को मुअय्यन फर्ज कर लें तो सी प्लस आई हो गया जी कुल खर्च का ख़त। अब उन्होंने हमें बता दिया कि एक ख़त आपने लिया वो सिर्फ सरफी खर्च का है और जो आपने सी प्लस आई लिया उसमें ये है कि आपने सरफी खर्च के साथ या सर्फ के साथ सरमायाकारी को भी शामिल कर लिया जितनी कि उस मईशत में हो रही थी, और ये भी फ़र्ज किया गया है कि फ़िलहाल जो है वो सरमायाकारी मुअय्यन है। तो क्या होगा कि अब कहते हैं सी प्लस आई हो गया हमारा कुल खर्च का ख़त, तो चूँकि कुल खर्च का ख़त आमदनी के ख़त को या तनसीफ़ी ख़त OH को, इसको हम आमदनी का ख़त भी कह सकते हैं जो OH है, यह हो गया तनसीफ़ी ख़त या आमदनी का ख़त, और सी प्लस आई हो गया खर्च का ख़त। तो आमदनी और ख़र्च का ख़त जहाँ पर मिल जाएँ, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को किता कर लें, वही जो है वो नुक्ता तवाज़न है और इस नुक्ते पर कुल कौमी आमदनी और कुल खर्च बराबर है, जैसे कि डायग्राम से हमें नज़र भी आ रहा है। इसके बाद कहते हैं कि अमूद गिराएंगे हम इसी नुक्ते से एक्स एक्सिस और की तरफ, ठीक है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी कौमी आमदनी जो है 450 करोड़ रुपये, और ये कौमी आमदनी की मतवाजन सतह है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आमदनी और ख़र्च एक दूसरे के बराबर थे। फिर ये याद रखना है कि OH जो है उसको आमदनी का ख़त या आमदनी की लाइन कह लें, और जो सी प्लस आई है वो सर्फ और सरमायाकारी यानी कुल खर्च का ख़त है, और जहाँ पर इस ख़त ने आमदनी के ख़त को किता किया था वहीं पर नुक्ता तवाज़न होगा, और उससे जो नीचे वाला ख़त है वो सिर्फ सर्फ का ख़त है, कुल खर्च का ख़त नहीं है। तो 450 करोड़ रुपए हमारे पास जो है वो कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह हासिल होगी। अब ये देखना है कि अगर ये तवाज़न बिगड़ जाता है तो वापस कौमी आमदनी मतवाज़न हालत में कैसे आएगी।
तो हम क्या देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कौमी आमदनी की जो मतवाजन सतह है वो 450 की बजाय 500 करोड़ हो जाए, यानी वो ओ एम की बजाय हो जाए ओ एम डैश, तो क्या होगा? इधर ज़रा हम अगर ऊपर की तरफ चलें तो एक हमारे पास ई डैश नुक्ता है और एक नुक्ता है। फिर हम देखते हैं कि ई डैश नुक्ता बता रहा है कि जो आमनी है वो यहाँ से गुजर रही है, आमनी का खत जो है वो ई डैश से गुजर रहा है, जबकि जो कुल खर्च का खत है वो नुक्ता एफ से गुजर रहा है। अगर हम गौर करें तो ई डैश नुक्ता और एफ नुक्ता, ये दोनों नुकात हमें बताते हैं कि अगर कौमी आमनी 500 करोड़ रुपए है या हो जाती है तो क्या होता है कि आमदनी जो है वो ज़्यादा है और कुल खर्च जो है वो कम है, यानी इस मईशत का जो कुल खर्च है वो उसकी आमदनी की निस्बत क्या है, कम है। इसका क्या मतलब है कि लोगों में खर्च करने का जो रुझान है वो कम है और वो अपनी सारी रकूमात खर्च नहीं करते हैं, जितनी आमदनी वो हासिल करते हैं वो सारी खर्च नहीं कर रहे, बल्कि उसमें से क्या किए जा रहे हैं, बचा बचा के रकूमात रखी जा रहे हैं, बचत ज़्यादा कर रहे हैं, खर्च ज़्यादा नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब क्या होता है, चूँकि लोग खर्च नहीं कर रहे तो जो अशिया व खिदमात पैदा हो रही हैं कारखानों में वो सारी की सारी फरोख्त ही नहीं हो रही, बल्कि वो बगैर के पड़ी रहती हैं, और इस तरह से ज़ायद पैदावार की सूरत हाल हो जाएगी। मतलब कि अशिया मौजूद तो हैं, पैदा तो हो गई, लेकिन लोग उनको ख़रीद नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो बचत करना ज़्यादा चाह रहे हैं और ख़र्च कम करना चाह रहे हैं, जब वो खर्च ही नहीं कर रहे, अशिया को ख़रीद ही कम रहे हैं, तो अशिया बगैर के पड़ी रहेंगी। अब ये सूरत हाल जो है वो सरमायाकारी के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए कि जब अशिया बहुत सारी बगैर फरोख्त हुए पड़ी रहेंगी तो उनकी जो कीमतें हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, और जब कीमतें कम होती हैं तो सरमायाकारों के मुनाफा कम हो जाते हैं, जिसके नतीजे में खुद ही सरमायाकारी में कमी आ जाती है। सरमायाकारी कम होगी तो रोज़गार भी कम हो जाएगा, रोज़गार सिकुड़ जाएगा तो आमदनियाँ भी कम हो जाएंगी लोगों की, और इस तरह से कौमी आमदनी जो है वो खुद ही गिरते गिरते पहले मयार पर यानी ओएम पर यानी 450 करोड़ रुपए पर आकर रुक जाती है, जहाँ पर कुल आमदनी और कुल खर्च हैं वो बराबर हो जाते हैं। इसके बाद अगर दूसरी सूरत हाल देखें कि अगर कौमी आमदनी जो है वो पहले से कम हो जाए, पहले हमने देखा था कि अगर कौमी आमदनी में इजाफा हो जाए, अब हम देखते हैं अगर फ़र्ज़ करें कि 450 की जगह 400 करोड़ रुपए कौमी आमदनी हो जाती है, तो इस पे ज़रा हम देखते हैं दो नुकात हैं कौमी आमदनी की सतह पे हमारे पास, ई डबल डैश और जी। अब ये दो नुकात हमें क्या बता रहे हैं कि जो तो हमारा आमदनी का खत ओ एच है वो गुजर रहा है नुक्ता जी से, और जो हमारा कुल खर्च का खत है सी प्लस आई वो गुजर रहा है नुक्ता ई डबल डैश से। मतलब कि यहाँ पर हमें ये समझ आती है कि मईशत का जो कुल खर्च है वो ज़्यादा है, उसका खत ऊपर है, और जो आमदनी है वो कम है, उसका खत नीचे। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोगों में खर्च करने का जो रुझान है वो ज़्यादा है, वो उधार लेकर या कर्ज लेकर भी खर्च कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल सरमायाकारी के लिए अच्छी होती है, क्योंकि एक तो इस सूरत में ये है कि अगर कीमतें बढ़ भी रही हैं तो लोग बढ़ती हुई कीमत पर भी अशिया ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इससे सरमायाकारों की हौसला अफज़ाई होती है, उन्हें पता है कि लोग अशिया ख़रीदेंगे वो उनके मुनाफा जात में जो है वो इजाफा होता जाएगा, तो वो अशिया जो है वो ज़्यादा पैदा करते हैं। सरमायाकारी ये कह लेंगे वो ज़्यादा कर देते हैं, सरमायाकारी में जब इजाफा होगा तो पैदावार बढ़ेगी, रोज़गार भी बढ़ जाएगा लाजमी तौर पे, और जिससे क्या होगा लोगों की आमदनियाँ बढ़ेंगी, और कौमी आमदनी का जो मयार है वो 400 से 450 करोड़ रुपये वापस, यानी कौमी आमदनी अपनी मतवाजन सतह पर आ जाएगी। तो इसमें कौमी आमदनी के तवाज़न की डायाग्राम में हमने अब यही देखा है कि कौमी आमदनी का तवाज़न उस सतह पर होगा जहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कौमी आमदनी कुल खर्च के बराबर हो, ये भी कह सकते हैं जहाँ पर मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर हो, यानी जो कौमी आमदनी होती है उसे मजमूई रसद भी कहा जा सकता है, और जो कुल खर्च होता है उसे मजमूई तलब भी कहा जा सकता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ पर मजमूई तलब और मजमूई रसद एक दूसरे के बराबर होंगे वहाँ पर कौमी आमदनी का तवाज़न होगा, और अगर किसी वक्त ये तवाज़न ख़राब भी हो जाए यानी कौमी आमदनी अपनी मतवाज़न सतह से आगे चली जाए या पीछे आ जाए, उसमें इजाफा हो जाए कमी हो जाए, तो कुछ खुदकार कुवतें ऐसी हैं ऑटोमेटिक फोर्सेस जो वापस उसे उसकी मतवाजन हालत में ले आती हैं, और कौमी आमदनी आखिरकार फिर से 450 करोड़ रुपए की सतह पर जो है वो आकर रुक जाती है। दूसरा तरीका इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है।